हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आपको आज मैं बताने वाला हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI के डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानकारी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपके पास भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये डेबिट कार्ड, तो जान लें फ़ायदे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो कुछ ही कार्ड हैं जिसे मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है और ये कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, ये रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड है और इसका जो इशू चार्जेस है ये 200 रुपये प्लस 18% GST है, और इसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है ये 200 रुपये प्लस 18% GST है। इशू चार्जेस है जो वो हमें फर्स्ट टाइम देना पड़ता है, और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो हर साल खाते से हमारे डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि 200 रुपये प्लस 18% GST। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड की। यहाँ पे देखिए रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, उसे हम CBI बैंक भी बोलते हैं। ये कार्ड कुछ इस तरीके का होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है प्लेटिनम। ठीक है, इसका जो इशू चार्जेस है ये फर्स्ट टाइम 300 रुपीज़ है, यानी कि 300 रुपये प्लस 18% GST है, और इसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो 300 रुपये प्लस 18% GST है, जो कि हमारे खाते से हर साल डेबिट हो जाता है 300 रुपये प्लस 18% GST। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। तो जो इसका इशू चार्जेस है वो 600 रुपये प्लस 18% GST है, और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो 600 रुपये प्लस 18% GST है, जो कि हर साल हमारे खाते से डिडक्ट हो जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इशू चार्जेस है वो हमें फर्स्ट टाइम ही देने पड़ते हैं। अगर कभी आपका कार्ड टूट जाता है, जल जाता है, या फिर इसका जो ऊपर का ये प्लेट है गोल्ड वाला वो टूट जाता है, मुड़ जाता है, तो आपको उस केस में कार्ड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तब उसका चार्जेस लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रुपए प्लेटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड की, जो कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका जो इशू चार्जेस है 499 रुपये है प्लस 18% GST है, यानी कि 499, और इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी जो है 499 प्लस 18% GST है, जैसा कि हर साल हमारे खाते से कट जाता है। मैं आपको जितने भी कार्ड बताने वाला हूँ सबका जो कॉस्ट है, इशू चार्जेस है और जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो कुछ हद तक सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और जो इसका इशू चार्जेस है वो 950 रुपये प्लस 18% GST है, और AMC चार्जेस जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो भी 950 रुपये प्लस 18% GST है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अभी तक का सबसे महंगा कार्ड है, जैसा कि आपको मैंने जितने भी कार्ड बताए हैं अभी तक का सबसे महंगा कार्ड यही है, जो कि 950 रुपये 950 रुपीज़ प्लस 18% GST, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 950 रुपये 950 प्लस 80% GST। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री जनधन योजना क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो क्लासिक जो ये डेबिट कार्ड होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला, इसकी एक लिमिट होती है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका जो इशू चार्जेस है और AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो साल भर मतलब हमेशा के लिए फ्री रहता है, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और उसका इशू चार्जेस, वो आप किसी भी बैंक का कार्ड ले लीजिए, सब में आपको लाइफ टाइम के लिए वो फ्री में मिलता है। ठीक है, उसकी लिमिट 20,000 रुपये तक होती है और 50,000 रुपये तक आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की CKCC क्लासिक डेबिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड का भी जो इशू चार्जेस है वो भी 0 है और AMC चार्जेस भी 0 है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी कार्ड पसंद आया होगा तो आप अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में संपर्क करके ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय।